हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम आज के टाइम में जैसे काफी सारे ओल्ड लेडीज के बारे में आज आपको बताऊंगी कि उनके फेस पे जैसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, झुर्रियां कैसे दूर करें हम। आज के टाइम में हमारी एज कुछ भी नहीं होती। आज के टाइम में वो जो पहले का जो खान पान था, आज के टाइम में वो कुछ नहीं है। हर चीज में मिलावट। तो हम उस चीज को जो मिलावट कर रहे हैं, जो लोग मिलावट कर रहे हैं, हम उसे उसी चीज से हमारे स्किन पे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, स्किन में दाग धब्बे और झुर्रियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। आज के टाइम में 30 के ऊपर ही हमारे स्किन में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो हम झुर्रियों से कैसे बचें? पार्लर में जाते हैं, फेशियल करा लो। फेशियल भी काफी कॉस्टली पड़ जाता है, तो जो लोग फेशियल नहीं करा सकते वो कैसे करें? घर बैठे हम कैसे ऐसा क्या करें जिससे हमारी झुर्रियां भी ठीक हो जाएं और हम पार्लर से भी बच जाएं? तो आइए हम आपको बताएंगे जो मैं आज आपको लिखकर बताऊंगी, जिससे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा झुर्रियों से छुटकारा। जो हमारा कच्चा दूध होता है, कच्चा दूध जो होता है, हम उसके कितने स्पून लेंगे? 4 स्पून, 4 स्पून, 4 स्पून या 5 स्पून, 5 स्पून, 4 या 5 स्पून जो हम लेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध लेने के बाद हमारा जो कच्चा दूध है फ्रेंड्स, ये कच्चे दूध में हम थोड़ा सा पिसा हुआ जो नमक होता है हम उस कच्चे दूध में थोड़ा सा ऐड करेंगे, जो हम जिसे बोलते हैं पाकिस्तानी नमक, ब्लैक नमक होता है। जो हम एक वाइट नमक भी होता है, ब्लैक नमक भी होता है। जो वाइट नमक होता है हम उसे थोड़ा सा ऐड करेंगे कच्चे दूध में। हम थोड़ा सा नमक यूज करेंगे, जो पिसा हुआ नमक होता है, मार्केट वाला नमक नहीं यूज कर सकते हम उसे घर में ही बीट कर लो। या तो आप तो उसमें थोड़ा सा नमक लीजिए, रात को सोते समय हम लगाएंगे। कॉटन के साथ जो मैंने आपको बताया है कि जो कच्चा दूध है वो 4 या 5 स्पून होगा, और जो थोड़ा सा जो पिसा हुआ नमक होता है, रात को हम उसे सोते समय लगाएंगे कॉटन के साथ। मतलब कि कॉटन के साथ हम उस दूध, कच्चे दूध में और प्लस नमक में डैबिंग करेंगे अपनी स्किन में। स्किन में डैबिंग करने के बाद मॉर्निंग में जब भी हम ऐसे उठेंगे तो हम उसे खाली पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे हमारी स्किन में बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा और हमारे दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। थैंक यू।